वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के डायमेंशन के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जब आप प्लान बनाने के बाद उसके इंटीरियर करते हैं, तो आपको उसमें अगर बेड लगाना हो या डाइनिंग स्पेस कितना चाहिए, डाइनिंग टेबल के डायमेंशंस, ठीक है, सिंक, वॉश मशीन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के डायमेंशन के बारे में आपको बताएंगे, बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में देने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको, आपके लिए मैंने मिलीमीटर और फिट दोनों में इसको आपके लिए मैंने बना दिया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, तभी आप एक अच्छी प्लान बना पाएंगे, उसका इंटीरियर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला मेरा सीरियल नंबर है, नेम ऑफ आइटम्स हो गए, डायमेंशन इन फीट और डायमेंशन इन आपको एमएम प्लान होगा, ये ईबी प्लान होगा, प्लान की प्लान का डायमेंशन यहां दिया गया है। टॉप व्यू को हम प्लान बोलते हैं। पहला देखिएगा डबल बेड, देखिए यहाँ फिट में भी है, आप यहाँ से देख लेंगे, हम एमएम में आपको पढ़ पढ़ के बता देते हैं, ठीक है, कोई एक ही हम बता पाएंगे। देखिएगा डबल बेड की साइज क्या होती है, तो 1350 × 2000 mm। ड्रेसिंग टेबल, आपको डबल बेड समझ गए, बेड स्प्रम्स होते हैं, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, वो जिसमें मिरर लगा होता है, ठीक है, तो ये आपको 1800 × 500 mm का है। स्टूल, ठीक है, जो ड्रेसिंग टेबल के आगे लगा होता है, 300 × 300 mm का होता है। सेंट्रल टेबल 800 × 300 mm का है। सोफा चेयर एक जो है 1500 × 600 mm का है, दूसरा 1000 × 600 mm का है। साइड टेबल 300 × 300 mm का है। डाइनिंग टेबल आपका 1500 × 1000 mm का है, ठीक है, एक डाइनिंग टेबल आपका 1500 × 900 mm का है, ये स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद देखिएगा डाइनिंग चेयर आपका 300 × 300 mm का है। सिंगल बेड आपका देखिएगा 1000 × 2000 का है। साइड टेबल 450 × 450 mm, ठीक है। शेल्फ 600 mm वाइड। कुकिंग प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किचन में होता है, उसकी साइज है 1000 × 600 mm। कुकिंग प्लेटफॉर्म आपको जो है किचन में बने होते हैं, जिस पर, जिसमें एक तरफ हम सिंक लगाते हैं, एक तरफ गैस चूल्हा के रखने के लिए हम उस पर रखते हैं, दूसरी जो है शेल्फ भी बनता है किचन में, जिस पर हम जो है अपने घर के पॉट वगैरह रखते हैं, ठीक है। देखिएगा सोफा चेयर बता दिया था आपको, साइड टेबल देखिएगा, डाइनिंग टेबल भी आपको बता दिया था। देखिए डाइनिंग टेबल दो तरह के बता दिया था मैंने आपको। अब डाइनिंग चेयर देखिएगा तो 300 × 300 mm का है। सिंगल बेड आपको बता दिया था, ठीक है। साइड टेबल, शेल्फ आपको मैंने बता दिया था। देखिए कुकिंग प्लेटफॉर्म 1000 × 600 mm का है। बुक शेल्फ आपको 600 mm वाइड, ठीक है। सिंक आपका आपका हो गया 600 × 600 mm का सिंक, जिसमें बर्तन हम धोते हैं उसको सिंक कहते हैं, ठीक है। बाथिंग टब, वो टब जिसमें हम नहाते हैं, वो 1700 × 750 mm का होता है, स्टैंडर्ड साइज। इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट WC 600 × 200 mm का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन टाइप WC तो आपका 400 इसकी ऊंचाई होती है, 400 mm हाइट इसकी होगी। वॉश मशीन जिसमें हम हाथ वगैरह धोते हैं, वो आपका होता है 600 × 450 mm का होता है। मिरर साइज जो वॉश मशीन पर लगा होता है 600 × 400 mm का हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन चैम्बर जिसको आईसी बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपको 450 × 450 mm का होता है। कोई आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फेक्शन चैम्बर जो हम बनाते हैं वो कितने का होता है, तो 450 × 450 mm का होता है। रेन वाटर पाइप, ठीक है, 75 आपका हो गया mm। गुल्ली ट्रैप का डायमीटर आपको 200 mm। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए, गुल्ली ट्रैप, ठीक है, इसके बारे में, रेन वाटर पाइप भी है और जो है इन्फेक्शन चैम्बर भी है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी जिसके बारे में आपको हमने जानकारी इस लेक्चर में दिया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि जब भी आप प्लानिंग करें तो उसमें इंटीरियर करें तो आपको वहां दिखा पाए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के हम और भी लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।